बॉलीवुड इंडस्ट्री की दो दिग्गज एक्ट्रेसेस के बीच लिव इन रिलेशनशिप पर अलग अलग विचार रखने की वजह से जुबानी जंग छिड़ गई है। जी हां, जीना तमान ने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि कपल्स को शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए, तो वहीं जीना तमान के इस पोस्ट के बाद मुमताज ने एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और शादी को बीच में ही घसीट लिया था, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। जीना और मुमताज के लिव इन रिलेशनशिप पर छिड़ी जुबानी जंग पर दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो भी अब बीच में कूद पड़ी हैं। जी हां, सायरा बानो ने अपना रिएक्शन दिया है। सायरा बानो ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, जहां एक्ट्रेस ने कहा, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रही हूं और वास्तव में वो मुमताज और जीनत जो कह रही हैं उसे मैं फॉलो नहीं करती और ना ही मानती हूं। हम बहुत पुराने जमाने के लोग हैं, हमारा चलन 40-50 साल पहले का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीनत अमान अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने युवाओं को शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह दी थी। एक्ट्रेस का कहना था कि शादी से पहले साथ में रहना कोई दिक्कत नहीं है, इससे संबंधों को सुधरने और एक दूसरे को जानने का और भी मौका मिलता है। जीनत के बयान पर मुमताज ने उनकी इस विचारधारा की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसी सलाह देने वाली आखिरी शख्स होना चाहिए, क्योंकि मजहर खान के साथ उनकी खुद की शादी एक लिविंग हेल थी। जी हाँ, मुमताज ने कहा था कि जीनत को रिश्तों पर सलाह देने से बचना चाहिए। वो मजहर खान से शादी करने से पहले उसे कई सालों से जानती थी, उसकी शादी बहुत टॉक्सिक थी, रिश्तों पर सलाह देने वाली शायद वो आखिरी इंसान होनी चाहिए। इस पर जीनत अमान ने कहा था कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, मैं कभी भी दूसरों के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने या अपने कोलिग्स को अपमानित करने वालों में से नहीं रही हूँ, ना ही अब करूंगी। कुल मिलाकर के जीनत अमान और मुमताज की ये फाइट अब टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। इस पर फैंस अलग अलग तरीके से रिएक्शन भी दे रहे हैं। वेल, आप बताइए इस खबर पर आपकी क्या राय है।